उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पूरनपुर रामलीला मैदान में कई सालों से सैकड़ों दुकानदारों ने रामलीला कमेटी की इच्छा पर अतिक्रमण कर लिया था। न्यायालय का आदेश आते ही शासन रविवार को आज जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमणकारियों से शांतिपूर्वक ढंग से ही मेले की भूमि को खाली कराया। पूरनपुर की ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कई सालों से दुकानदारों ने अवैध कब्जा कच्चा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था और दुकानदारों ने रामलीला कमेटी के द्वारा बसाए जाने की रसीद पर हाई कोर्ट का स्टे लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ माह बाद दुकानदारों को यह कहकर स्टे खारिज कर दिया कि स्थानीय न्यायालय में वाद दायर करें। और दुकानदारों ने एक दिन पूर्व जिले के सिवाल कोर्ट में वाद दायर किया तो वहां भी सामाजिकता के साथ हिंदू संस्कृति को आस्था का केंद्र मानते हुए स्टे खारिज कर दिया गया। शासन को तत्काल रामलीला मैदान खाली कराने के आदेश दिया गया। वहीं शासन ने भी शक्ति दिखाते हुए कुछ ही घंटों में मेला मैदान को मुक्त करा दिया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज से 25-30 साल पहले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को खाली अल्टीमेट दिया गया 4 तारीख को हटाओ या 5 तारीख को हटाओ, तुरंत आने के बाद हम लोगों को हटा दिया गया और हमें कोई एक जगह नहीं रहा गया, मतलब हमें कोई जगह नहीं दी गई। हम बढ़वाने हैं कि हम अपना परिवार कहाँ ले जाके पालें, कल को हम यतीम हुए हैं और बच्चे हमारे मतलब नाराज हुए हैं, कहाँ से कैसे रहे पलेंगे, कोई जगह नहीं दी गई है हमें। अब ये बताइए आप, जैसे मथुरा प्रसाद के मकान वकान बने हुए हैं, 15 फीट रामलीला की दुकान में बने हुए, अगर हमें हटाया तो उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन, अगर प्रशासन इस लायक है तो सबको हटाए ना, हमारा पक्षपात क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये मुस्लिम विरोधी ही पार्टी है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, परिवार भूखा मरने लगेगा, क्या करेगा, कोई है नहीं। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये रामलीला की जगह है, रामलीला की जगह में मथुरा प्रसाद की बहुत सी आगे दुकानें हैं, घर बने हुए हैं, तो इन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? कौन सी शहर? कौन सी तहसील? पूरनपुर जिला पीलीभीत। सुनने वाला मंदिर की भी जगह कुछ आगे बढ़ी हुई है? मंदिर की भी बढ़ी हुई है, स्कूलों की बढ़ी हुई है, मतलब अल्टीमेट सिर्फ दुकानदारों के ऊपर, बाकी सबको मतलब मुस्लिम जहाँ पर बैठे हुए उन्हें हटाया जा रहा है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? भूखे मरेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और क्या करेंगे? प्रशासन जो करना चाहते हैं, मोदी जी हैं, हमें क्या खिलाएंगे? क्या बच्चों को हमारे खिलाने आ जाएंगे क्या मोदी जी? हमें कुछ जगह तो दी जाए बैठने की, चलो हमें ऐसे हटा दिए गए, लेकिन हमें कुछ तो बताया कि आप यहाँ बैठो, हम अपने बच्चों को पाल सकें। ताकि इस पर लगभग 35-40 वर्षों का कब्जा चला आ रहा था, जो कि आज माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार में जो एक अभियान चल रहा है, अवैध कब्जा मुक्त अभियान, वो एंटी भूमि अभियान, उसके तहत हटाए गए हैं। शासन ने बहुत अच्छा काम करा, योगी राज में जनता संग न्याय मिला है और अच्छा कार्य हुआ है, इसकी घोर प्रशंसा की जाती है। नाटक घर के पीछे जो दुकानें बनी है वो NJDM दर्ज हो चुकी हैं, प्रशासन क्या रुख अपनाता है ये बात चल रही है अधिकारियों से, फिर उसके बाद में आपके निर्णय सामने आएगा। लगभग कितना अतिक्रमण था, कितनी पक्की दुकानें थी, किसमें कितनी जमीन है इसमें? जे जमीन जो पीछे नाटक के पीछे वाली जमीन जो है, नहीं पूरे जमीन कितनी टोटल कितनी होगी? टोटल में 6.5 एकड़ समथिंग है। लगभग कितने पे अतिक्रमण, कितने अतिक्रमण था? अतिक्रमण था लगभग 80% पर अतिक्रमण था, 6.5 एकड़ के सब अतिक्रमण के में ही घिरी हुई थी, क्योंकि पूर्व जनता की जीत हुई है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी का और माननीय क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान जी का बहुत बहुत उसमें सहयोग रहा, बहुत बहुत योगदान रहा, इनकी घोर प्रशंसा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जनता की ओर से।